406 के दुकान पे 408 पे वो भी कोटा ये भी कोटा यही दुकान पे आना हमारे को। हम जिद कर रहे हैं बोले तो तकलीफ हमारे को, हैंडीकैप को बहुत तकलीफ हो रही है, दूर गए तो ये दुकान पे रहे तो हमारे को राशन अच्छा मिल रहा है, और दूसरे दुकानों पे गए तो उन लोग क्या कर रहे हैं, एक घंटा दे रहे हैं, दो घंटा बंद कर रहे हैं, चले जा रहे हैं, और वैसा तकलीफ हमारे को गरीबों को नक्को दे। और हैंडीकैप लोग हैं, अंधे है, लंगड़े है, हमारे को ये कोटा दिए तो हमारे को तुम लोगों को बहुत बहुत मेहरबानी, और इतना है हम लोगों को सहूलत ये क्या है, ये ना सुबह 10 बजे से लेके रात में 10 बजे तक दे रहे हैं सब राशन हमारे को, इन्हों तो तकलीफ नहीं दे रहे हैं। दूसरे दुकान को जाके राशन ला लिए तो हम लोगों को 2 किलो 2.5 किलो इधर को ला के तो लिए तो इतना कम आ रही। दूसरी दुकान पे गैस का तेल दे रहे हैं 1 लीटर बोल के दिया तो 0.5 लीटर आ रहा है साहब हमारे को दूसरी दुकान से, ये दुकान पे नहीं है हमारे को 1 लीटर डाले तो घर को आके माप लिया तो 1 लीटर है रही। उसी दुकान से होना आपको 406 पे होना साहब हमारे को, ये 408 के कोटा भी 600 साहब 406 पे आना, मेहरबानी आप लोगों की, और कोटा दिए तो हमारे हैंडीकैप लोग दूर जाने के नहीं रहता, और 200-300 रुपए किराया डालना बोले तो नहीं डाल सक रहे हम लोग, और कचरा चुनने तो भी वो भी बंद कर दिए, भीख मांग के खाने वाले को वो भी लेके जाके जेल में डाल रहे हैं। हम हैंडीकैप लोग 50-40 रुपए लगा के 1 किलो चावल लेके नहीं खा सकते साहब हम लोग, इतना है मोटा चावल के वास्ते हमारे एरिया पूरा वही चाहे मोटा का मोटा चावल खोपिन का खा के जीने वाले है हम लोग। मेरा नाम ताहिर अभी है, 406 का और कोटा यहाँ देना, और 408 का भी यहाँ कोटा देना, हमारे को गरीबों को सबको इंतजाम है, और किसी को तकलीफ नहीं है कुछ नहीं, बुढ़े भी जाको लाते, लंगड़े भी जाको लाते, बच्चे भी ला लाते साहब, हर चीज़ से हमारे को सहूलत है, जरा पैसे नहीं रहते शाम में लेंगे बोल को जाको ला सकते वहाँ नहीं ला सकते साहब, इसके वास्ते हमारी कोई रिक्वेस्ट करो हम हाथ जोड़ रहे आपके साथ, बस इतनी शुक्रिया। मेरा नाम शंकर है, मैं सर्किल 3 का इंस्पेक्टर हूँ। जो अभी जो पब्लिक है इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनकी इससे पहले एक दुकान रिजन हुआ था, वो दुकान दूसरा दुकान को टाइगन कर रहे थे, वहाँ पे और एक दुकान आया तो इन्होंने क्या समझ रहे कि दूसरा दुकान आया वो दुकान बंद है समझ के इन्होंने आन तक आए, जो पुराने दुकान में इन्होंने लेना चाह रहे थे वहीं ले सकते दुकान में, और इनको कोटा भी अगर इन टाइम में उन्होंने एक्स्ट्रा कोटा पूछे तो हम देने को रेडी है, वो दुकान वाले भी इनके पब्लिक अभी पोर्टेबिलिटी हो गया तेलंगाना में, कहाँ से भी कौन से भी दुकान पे ले सकते हैं, और इनके इन्हों पुराने दुकान में लेना चाह रहे तो वहीं ले सकते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा कि यही दुकान में लो बोलते, अब पब्लिक की मर्जी है तेलंगाना में कौन सा भी दुकान में ले सकते हैं। ये जो कोटा जो नहीं है बोल रहे इनके पास में, वो इन टाइम में अगर एक्स्ट्रा कोटा उन्होंने पूछे तो हम देने को रेडी, मशीन में ऑप्शन है कि उन्होंने वहाँ पर एंटर कर देना कि एक्स्ट्रा कोटा मेरे को इतना होना है, अब तक मैं इतना बेचा बोल के उन्होंने इन टाइम में मशीन में इंटर करे तो वो दे देंगे। మీ ఇష్టం మీరు ఎక్కడ మీరు తీసుకుంటారో షాప్ లో మీకు ఎక్కడ మీకు అనుకూలంగా ఉంది అంటే అక్కడ తీసుకోండి, మీకు ఇక్కడ కూడా కాదు మన తెలంగాణలో ఏ జిల్లా వాళ్ళైనా కానీ ఇక్కడ రేషన్ తీసుకోవచ్చు, ఏ షాప్ అయినా తీసుకోవచ్చు, आ जाओ कल पेपर में आया था चलो ये दो बच्चे
है।